हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा जींद के जुलाना पहुंची, जहां जनता भी काफी उत्साहित दिखी। शैलजा बोली, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान तय करता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगी। उन्होंने टिकट वितरण के बारे में कहा है कि इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी को सौंपेगी, उसके बाद टिकट वितरण किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। कल ही अनाउंस हुआ है और आज पहला कार्यक्रम जुलाना में रखा है और लोगों का उत्साह देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था की बदलाव चाहते हैं, सरकार का बदलाव चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इस बार आप देखेंगे नतीजे बिल्कुल विपरीत होंगे और भाजपा को आईना ये जनता दिखाएगी। तो बात यह है कि लोग अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी की परंपरा है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले नहीं दिखाते, हमेशा हमेशा हाईकमांड बाद में फैसला करती है चुनाव के बाद। अब स्क्रीनिंग कमेटी तो हमारी बन चुकी है, अब वो तय करेंगे कि क्या शेड्यूल बनाना है और उसके मुताबिक सबसे मिलजुल कर सबकी राय लेकर स्क्रीनिंग कमेटी आगे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में अपनी सिफारिश भेजेगी और फिर आखिरी ठप्पा मारना है। कांग्रेसी नेता मंजीत दुहन ने कुमारी शैलजा की जुलाना में सफल रैली का आयोजन कर जुलाना से अपनी टिकट की मजबूत दावेदारी के लिए ताल ठोक दी है। मंजीत दुहन ने जनता में ये संदेश देने का प्रयास किया कि वह जुलाना से कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। मीडिया से बातचीत में मंजीत दुहन ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से मना करते हुए कहा है कि आज का उमड़ता जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि जुलाना की जनता किसे चाहती है और जनता को विश्वास है कि क्षेत्र का विकास कौन कराएगा। देखिए, कुमारी शैलजा अपना पूर्ण आशीर्वाद देके गई और आप सभी लोगों ने देखा है, जुलाना की जनता का आशीर्वाद, कुमारी शैलजा का आशीर्वाद, मेरे चाचा साहुओं का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का और मेरी मातृ शक्ति का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ, और इतना बड़ा जनसैलाब जो है वो आप खुद ही देख सकते हो, इसका प्रमाण है। ये बात मेरे को किसी को बताने की या छुपाने की है ही नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और यहाँ तो प्रत्यक्ष भी और प्रमाण भी है, सब कुछ आपके सामने है। अभी लोगों का जो प्यार है वो पूरी तरह से हमारे साथ। कुमारी शैलजा ने पूर्ण आशीर्वाद दिया है कि अगर जुलाना की जनता का साथ रहा तो इस बार विधानसभा में भेजेंगे। देखिए, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सारे के सारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कर्मठ नेता हैं, अपने अपने विचारों के हैं, उसमें कहीं गुटबाजी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में जुलाना से जनता किसे विधानसभा भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।